वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आर आर बी ओ ट्रिपल एस सी डी ट्रिपल एस बी एक्सेट्रा तो आपके नॉन फार्मा सब्जेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है वो जनरल साइंस जिसके अंदर बायोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक हिस्सा है जहां से आज हम कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं यानी कि आज इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी की कुछ बेसिक चीजें करवाऊंगी जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स उसके बाद सेल एंड देन टिश्यू इनके बारे में डिस्कस करेंगे सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगी जितना कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि डिटेल में पढ़ाने का इधर कोई मतलब नहीं बनता है तो शुरुआत करते हैं और आगे चलने से पहले इस पूरी क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है अभी तक अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हैं टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा शुरुआत करते हैं पहली चीज से तो क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बी इतना आपको पता होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बी सबसे पहली चीज हमारे जो शुरुआती वाले समय थे उस पे सबसे पहले दो किंगडम क्लासिफिकेशन आया उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया फोर आया फाइव आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एक ऐसा किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि अभी तक मान्य है अभी तक चला आ रहा है ठीक तो है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अरिस्टोटल एरिस्टोटल सबसे थे जिन्होंने जो लिविंग uh, बींग्स थे उनको सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेस पर डिवाइड किया था एरिस्टोटल क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज फॉर एग्जाम्पल अगर दो पेड़ पौधे एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं उन्होंने कह दिया कि ये प्लांट्स अगर प्लांट से अलग कोई दूसरी चीज है तो वो एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आ गई सारे एनिमल्स एक कैटेगरी में सारे प्लांट एक कैटेगरी के अंदर बस उन्होंने ये किया था दूसरी चीज सबसे पहले 18th सेंचुरी के अंदर हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कार्लस लीनियस जो कि बहुत फेमस साइंटिस्ट है आप लोग जानते ही होंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या मतलब है इसका फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर फ्रूट uh, का नाम अगर इंडिया में मैंगो है तो किसी दूसरी कंट्री में हो सकता है कि इस मैंगो का नाम कुछ और हो बट कार्लस लीनियस सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायनोमियल नोमचर को डिस्कवर किया था इसका क्या मतलब है मतलब ये है हर एक पर्टिकुलर फ्रूट वेजिटेबल एनिमल हर एक चीज का एक साइंटिफिक नाम होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास मैंगो है मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मैग्निफेरा इंडिका मैग्नीफेरा इंडिका और यही जो मैंगीफेरा इंडिका है ये नाम हर एक कंट्री के अंदर सेम ही होगा यानी इंडिया में भी मैग्नीफेरा इंडिका किसी और कंट्री के अंदर आप किसी दूसरे कोने में जाएंगे वहां भी यही क्लियर है तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने मैग्निफेरा इंडिका की तरह जो आपके बायोनोम थे सारे नाम दिए थे अब इसमें जो पहला नाम होता है फॉर एग्जाम्पल मैग्निफेरा इंडिका में मैग्निफेरा इंडिका के अंदर जो पहला नाम है ये तो होता है जीनस और जो दूसरा नाम होता है यानी जो इंडिका है ये इसकी स्पीसीज दर्शाता है तो पहला नाम हर एक बायोनोमियल नॉमन के अंदर जीनस शो करता है दूसरा उसकी स्पीसी शो करता है इसके बाद थर्ड हमारे पास था विटेकर आर एच विटेकर जिनको आप बहुत ही फेमस नाम से जानते हैं और यही थे जिन्होंने हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 के अंदर इन्होंने क्लासिफाई किया और कौन कौन से पांच किंगडम थे सबसे पहला था मोनेरा जिसके अंदर आपके सारे प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं दूसरा था प्रोटिस्टा तीसरा था फंजाई और इसके बाद था प्लांट है जिसमें सारे पेड़ पौधे सब कुछ आ जाता है एंड फिफ्थ इज एनिमिलिया जिसके अंदर सारे एनिमल्स आ जाएंगे ठीक है तो ये थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने ये दिया था 1969 के अंदर याद रखेगा बेसिक सी चीजें हैं इसके बाद नेक्स्ट मोरेरा के अंदर जैसा कि मैंने आपसे कहा प्रोकैरियोट्स फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा ये सारी चीजें आ जाती हैं प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ जो कि यूकैरियोट्स होते हैं बट यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं

कोहेन भी थे जिन्होंने ये नाम दिया था सबसे पहले उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था टी यानी कि टोबेको मोजेक मुजेक वायरस टोबेको मुजेक वायरस याद रखेगा ठीक है फेमस है TMV यानी कि टोबेको मोजेक वायरस वायरस क्या होते हैं बहुत ही छोटे छोटे इन्फेक्शन सिंगल स्टैंडर्ड आर एन होते हैं जो कि टी ओ डीनर ने डिस्कवर किए थे वायरोड्स को ठीक है डिफरेंस है वायरस एंड वायरोड्स में डिफरेंस होता है तो याद रखिएगा वायरस एंड वायरोड्स हम लोग ना ही इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रखते हैं ना ही नॉन लिविंग के अंदर रखते हैं तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है याद रखिएगा ठीक है अब शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग सेल से सेल को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ पर क्योंकि आप लोग इसको एच के अंदर भी पढ़ते हो बहुत ज्यादा डिटेल में तो यहां से उतनी ही बातें करेंगे जो कि जरूरी है ठीक है शुरुआत करते हैं अब सेल होता क्या है इतना तो आप लोग जानते ही होंगे सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि हम जिससे मिलकर बनते हैं वही तो है सेल ठीक है तो ये याद रखना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बहुत ही मेजर सी बात है ठीक है इसके बाद सेल सबसे छोटी यूनिट पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ हमारी नहीं अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है कोई भी हो कुछ भी हो अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट पाई जाएगी वो होगी सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 ठीक है ये चीज याद रखेगी मैं आपको लिखवा दूंगी जितने भी साइंटिस्ट के नाम आते हैं सेल के अंदर वो मैं एक ही जगह लिखवा दूंगी ठीक है तो इसके सिंपल सी बात है अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही तरीके का सेल है तो वो यूनिसेल्युलर होता है फॉर एग्जाम्पल नो बैक्टीरिया ईस्ट इन सब में सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होते हैं, उनको मल्टी सेल्युलर नाम से जानते हैं जैसे कि आपके पास एनिमल प्लांट्स फंजाई एल्गी ये सारी चीजें क्या होते हैं मल्टी सेल्युलर होते हैं ठीक है अब मैं एक बार लिखवा देती हूं आपको जितने भी साइंटिस्ट के नाम इस पूरे चैप्टर के अंदर आते हैं जैसे कि सेल को डिस्कवर किया था रोबर्ट हुक ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट ब्राउन ने अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था तो आपका आंसर होगा लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यूविन हुक ठीक है एंटिन वॉन लिवेनहुक इसकी एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा तो ये थे कुछ साइंटिस्ट बाकी सेल थ्योरी से सवाल इधर से नहीं आते स्लाइडन एंड श्वान ये सारी चीजें आप अच्छे भी के अंदर पढ़ते हो ठीक है चलिए इसके बाद इफ द ऑर्गेनिज्म हैड नो सेल वो ए सेलुलर कैटेगरी के अंदर आ जाता है जैसे कि आपके वायरसेस इसीलिए हम इनको ना ही आ, लिविंग के अंदर रखते हैं ना ही नॉन लिविंग के अंदर रखते हैं रीजन यही है क्योंकि इनके अंदर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता है बट ये कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी शो करते हैं जो कि एक लिविंग की होती है ठीक है चलिए इसके बाद प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल जिसके अंदर सेल्यूलोज का आपका कंपोनेंट पाया जाता है मेन चीज सेल्यूलोज होती है इसके अलावा हेमी सेल्यूलोज ये सब कुछ भी पाया जाएगा एनिमल्स और प्रोटोजोन्स के पास किसी भी तरीके की कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है तो ये याद रखेगा प्लांट का एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दे कंटेन सेल वॉल सेल वॉल क्या है आउटरमोस लेयर है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एक एनिमल सेल सॉरी प्लांट सेल को ठीक है इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के पास किसी भी तरीके का कोई न्यूक्लियर एनवलअप नहीं होता है अगर आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच का मेजर डिफरेंस बताइए तो आप कहेंगे प्रोकैरियोट्स के पास किसी भी भी प्रकार का कोई न्यूक्लियर एनवेलप सेल ऑर्गेनली नहीं पाई जाएगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं न्यूक्लियस है, है माइटोकॉन्ड्रिया है आपके लाइजोजोम है है ये सारी चीजें हैं इन सब के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ठीक है एक लेयर प्रेजेंट होती है ये अलग चीज है बट प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ वही सेल ऑर्गेनलीज पाई जाएंगी जिनके बाहर कोई भी मेमब्रेन प्रेजेंट ना हो फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम ठीक है चलो नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल हैव अ न्यूक्लियस विद इलेबोरेट न्यूक्लियर एनवेलप एंड अ बाउंड सेल ऑर्गेनली एग्जाम्पल बहुत सारे हैं एग्जाम्पल हमारे पास है एलगी फंजाई मैमल्स प्लांट ये सब ठीक है चलो आगे चलते हैं अब एक एक करके सेल ऑर्गेनलीज के बारे में बात करेंगे बहुत ही छोटी छोटी सी तरीके से बात करेंगे क्योंकि बहुत इजी है और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता यहां से ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से सभी लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ अ सेल रीजन पूछा जाए क्योंकि ये ए बनाता है एटीपी एनर्जी करेंसी है ये एक पूरी लाइन याद रखो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी ठीक है पावर हाउस ऑफ अ सेल है रीजन है एटीपी प्रोडक्शन एटीपी क्या है एनर्जी करेंसी है जैसे आप हर एक काम के लिए रुपया खर्च करते हैं हर एक सेल अपने काम के लिए एटीपी खर्च करता है अब किसने डिस्कवर किया था रिचार्ड ऑल्टमैन 1890 के अंदर इसको डिस्कवर किया था यहां से पूछा जा सकता है सवाल है ना कि माइटोकोन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट का नाम और ईयर भी पूछा जा सकता है इसके बाद है डबल मेम्ब्रेन एनवेलप इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ यू के अंदर पाई जाती है ठीक है ओनली फाउंड इन यू रीजन बहुत बड़ा है भैया एक नहीं दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं बाहर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होंगी इट इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल क्योंकि मैंने आपको बता दिया है यहां से बनती है एनर्जी जो कि हर एक सेल्युलर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होती है

मैं हर एक सेल ऑर्गेनली का आपको एक ऑल्टरनेट नाम देते हुए चलूंगी ताकि आपको सारी सेल ऑर्गेनलीज याद हो जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैक्ट्री है दो तरीके की होती है रफ और दूसरी स्मूथ रीजन क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ क्यों पड़ा भोले का नाम भोला क्यों है रीजन क्या है क्योंकि ये राइबोसोम्स बियर करेगा राइबोसोम्स बियरिंग होता है इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और यहां कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा ये रीजन है ठीक है अब क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन बनाने के लिए यहां बनेंगे प्रोटीन और यहां बनेंगे लिपिड स्टेरॉइड ग्लाइकोजन एक्सेट्रा ग्लाइकोजन ठीक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिपिड का ही फॉर्मेशन होता है लिपिड का ही सिंथेसिस होगा अब फैक्ट्री तो ये है ही इसी के साथ ही साथ ये एक्सचेंज चीजें करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इट्स फंक्शन आर मैकेनिकल सपोर्ट एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोटीन सिंथेसिस एक्सेट्रा सारे काम है इसके क्लियर नेक्स्ट हमारे पास जो सेल ऑर्गेनली आती है दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स अब फैक्ट्री ने चीजें बना तो दी उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो ये है कुरियर कंपनी कुरियर कंपनी ठीक है भैया फैक्ट्री ने चीजें बना तो दी उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी तो करना है तो वही जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि कुरियर कंपनी के द्वारा काम करता है ये डिस्कवर किया था क्या गोल्जी ने कौन से ईयर में आपका जो 1898 के अंदर और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था ठीक है नोबेल प्राइज भी इनको मिला था नाइनटीन के अंदर कैमिलो गॉल्जी डिस्कवर्ड गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इन 1898 एंड गेट नोबेल प्राइज इन 1906 इट्स फंक्शन क्या-क्या है कुरियर कंपनी के जैसे काम होते हैं है ना क्या करेगा फैक्ट्री से चीजों को उठाएगा उनकी मॉडिफिकेशन करेगा अच्छे से पैकेजिंग करेगा और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा ठीक है तो मैं लिख देती हूं इसके मेन मेन काम क्या है सबसे पहले मॉडिफिकेशन उसके बाद ऐसे ही थोड़ी ना आगे ट्रांसपोर्ट होंगे पैकेजिंग करनी पड़ेगी और पैकेजिंग के बाद ये कर देता है उनको फाइनली ट्रांसपोर्ट कहां ट्रांसपोर्ट करेगा जहां भी उसका टारगेटेड एरिया है वहां पर इट्स फंक्शन आर सिक्रीशन प्रोवाइडिंग स्टोरेज प्लेसेस फॉर प्रोटीन सेल वॉल फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एंड लाइजोम फॉर्मेशन तो ये तो सारे अलग के काम है बाकी मेन काम जो इसका होता है वो है एज अ कुरियर कंपनी काम करने का जो कि मैंने ऊपर लिखवाई दिया है क्लियर चलिए नेक्स्ट हमारे बैग ऑफ अ सेल lizozome, के नाम से जानते हो बहुत फेमस है सुसाइडल बैग रीजन क्या है इसका क्योंकि ये जिस थाली में खाता है उसी में करता है छेद रीजन अभी बताऊंगी देखो सबसे पहली चीज इसको डिस्कवर किया था डी ड्यूब ने इन 1940 के अंदर अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम अलग अलग तरीके के होंगे जैसे कि सेल्यूलोर्स को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज होगा है ना आपके पास कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए उसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम होगा प्रोटीन के लिए प्रोटीएज होगा और पेप्सिन होगा तो हर एक चीज को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास पर्टिकुलरली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ठीक है चलिए इसके बाद जिसको आप सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं अब समझिएगा कि क्या होगा कभी कभी इसमें हो जाती है ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून डिसीजेस ठीक है अब ऑटो इम्यून डिसीजेस क्या होते हैं ये समझिए ऑटो इम्यून डिसीजे वो होती है जब खुद ही की जो इम्यून सेल्स होती हैं वो खुद ही को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं वो होती है ऑटो इम्यून डिस ठीक है अब ऐसी ही बीमारी अगर हो जाए तो लाइजोजोम बाहर से आने वाली चीजों को पहचान नहीं पाता है जी। इसका काम है डाइजेशन का ठीक है हाइड्रोलिटिक एंजाइम है डाइजेशन परफॉर्म करेंगे और अगर यही डाइजेशन खुद ही का होने लग जाए धीरे 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 पूरा सेल खत्म हो जाता है और इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैक के नाम से जानते हैं चलिए डाइजेशन में हेल्प करेगा अगर पूछा जाए ना रीजन क्या है क्योंकि इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं चलो नेक्स्ट हमारे पास है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों के अंदर पाई जाएगी यूकैरियोड्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों के अंदर पाई जाती है ठीक है अब अगर इसका आपसे कारण पूछा जाए कि क्या कारण है यू कैरियो और प्रो दोनों के अंदर पाए जाने का तो इसका कारण यह है ये एक मैमब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली है ठीक है किसने इसको डिस्कवर किया था बहुत फेमस साइंटिस्ट है पैलेड कौन से ईयर में किया था ईयर था 1955 और पैलेड ने इसको डिस्कवर किया ठीक है राइबोसोम सबसे छोटी सेल ऑर्गेनली होती है मैमब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली होती है मैमब्रेन सेल ऑर्गेनली इसके लिए भी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताती हूं देखो क्या याद रखना है एक सेल में जहां जहां राइबोसोम वहां वहां प्रोटीन का सिंथेसिस कहीं भी सेल में किसी भी एरिया में अगर राइबोसोम प्रेजेंट है उसी एरिया के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होना ही होना है ठीक है चाहे ये किसी दूसरी सेल ऑर्गेनली के साथ जाकर चिपक जाए वहां प्रोटीन बनाने लग जाएंगे फॉर एग्जाम्पल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है तो याद रखना जहां जहां राइबोसोम वहां वहां प्रोटीन राइबोसोम आर फाउंड अटैच्ड टू तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिखवा चुकी हूं मैं ठीक है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं इनका मेन काम यही है नेक्स्ट न्यूक्लियस जैसे तुम्हारे पास ब्रेन है वैसे सेल के पास न्यूक्लियस है हर एक काम को कंट्रोल करने की जो यूनिट होती है वो है न्यूक्लियस तो हम इसको कह सकते हैं कंट्रोलिंग यूनिट कंट्रोलिंग unit of a cell okay controlling unit of a cell किसने डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था कौन से ईयर में किया था 1831 के अंदर लार्जेस्ट और सबसे आसानी से देखी जाने वाली सेल ऑर्गेनली है हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगी क्योंकि बहुत अच्छा सा एक न्यूक्लियर एनवेल प्रेजेंट होता है इसके पास इट इज द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द सेल एंड वर्क एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल हर एक काम को सेल के यही कंट्रोल करता है कब सेल को ग्रो करना है कब डिवाइड करना है कब उसमें डेवलपमेंट होना है मैचुरेशन होना है इवन कब उसको मर जाना है हर एक काम को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है कंट्रोलिंग बॉडी है इसके इशारों पर नाचता है सेल याद रखिएगा, ठीक है चलिए इसके बाद न्यूक्लियस प्राइमरी कैरियर है हेरिटेटरी मटेरियल का हर एक सेल में क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए एंड ऑल्सो आरएनए ठीक है दोनों चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है इसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बारे में सुन लो क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड पूछा जा सकता है तो न्यूक्लिक एसिड आपके वो चीजें हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बनते हैं जैसे कि डीएनए एंड आर एन ए दीज कंटेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आपके अंदर जो आपके पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो न्यूक्लिक एसिड की मदद से ही आते हैं है ना एग्जाम्पल आप लोग जानते ही होंगे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए दीज आर ऑफ टू टाइप्स डीएनए एंड आरएनए ये पता है आपको डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड तो यहां तक था हमारा सेल अब सेल से ही मिलकर जो दूसरी चीज बनती है वो है टिश्यू ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था आपके बायोलॉजी का तो इसको आज ही खत्म कर लेते हैं टिश्यू क्या होता है टिश्यू मासेस हैं जो कि सेल से मिलकर बनता है आप एक पूरी की पूरी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो जानते ही होंगे देखो क्या होता है सबसे पहले सेल होगी सबसे स्मॉलेस्ट मटीरियल इसके बाद सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज टिश्यूज जब आपस में मिलेंगे तो ये बनाते हैं ऑर्गन ऑर्गन के बाद पूरा एक ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है और ऑर्गन सिस्टम जब पूरा तैयार हो जाता है तब जाकर एक ह्यूमन बॉडी या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी तैयार होती है तो सेल हम लोगों ने कवर कर लिया है अब हम लोग टिश्यू की तरफ चलने वाले हैं टिश्यू क्या है ऑफ सेल सेल अब ये सेल एक तरीके के भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं ठीक है एक तरीके के भी अलग अलग भी याद रखिएगा प्लांट एनिमल सब के अंदर पाया जाता है तन टिश्यू किसने दिया था याद रखिएगा साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको टिश्यू के बारे में जो नाम है वो दिया था इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर और कॉन्स्टिट्यूट टूगेदर परफॉर्म टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर एग्जाम्पल सारे की सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर टिश्यू ही होती हैं आप ब्लड ले लो बोन ले लो मसल्स ले लो कुछ भी अगर आपका मन कर रहा हो सारी चीजें क्या बस टिश्यूज हैं, ठीक है, है। चार तरीके के ये पाए जाते हैं अब उसी के बारे में बात करेंगे इससे पहले टिश्यू कैटेगराइज इनटू प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू और हर एक प्लांट एनिमल हर एक तरीके के टिश्यू की जो स्टडी होती है उसको हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। सेल वाले भी लिख लो स्टडी ऑफ सेल इधर ही लिख देते हैं स्टडी ऑफ सेल वो है, होती है साइटोलॉजी ठीक है और स्टडी ऑफ टिश्यू होती है हिस्टोलॉजी याद रखेगा चलिए अब डिस्कस करने वाले हैं हम प्लांट टिश्यू क्या होते हैं प्लांट टिश्यू आप लोग जानते हैं कौन है प्लांट टिश्यू ठीक है चलो सबसे पहला हमारे पास आता है मैरिस्टमैटिक टिश्यू क्या होता है मैरिस्टोमैटिक कहीं भी अगर ये नाम आता है ना मैरिस्टोमैटिक इसका एक ही मतलब है डिविजन मैरिस्टमैटिक का एक ही मतलब है डिवीजन, ठीक है तो मैरिस्टमैटिक टिश्यू tissue वो टिश्यूज होते हैं जो कि लाइफ टाइम अपना डिवीजन शो करते हैं ठीक है मान लीजिए कि आप किसी भी चीज के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो जो फेज है डिवीजन का दैट इज मैरिस्टोमैटिक फेज और जब आप बन चुके होंगे जो भी आपका टारगेट है वो अचीव हो चुका होगा तो तब आप बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू ठीक है चलिए अब हर एक प्लांट के अंदर रूट पर शूट पर दोनों तरफ ये मैरस्टमैटिक टिश्यू होते हैं रूट की तरफ से भी वो ग्रो करता है और शूट की तरफ से भी ग्रो करता है तो दोनों तरफ आपके मैरस्टमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं दीज आर फाउंड इन ग्रोथ रीजन फॉर एग्जाम्पल रूट एंड शूट याद रखेगा फॉर एग्जाम्पल एट टिप ऑफ रूट एंड शूट ये याद रखो एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट चलिए ऑफ द प्लांट विच ग्रोस दीज आर दिवाइडिंग टिश्यूज एट सेल डिजन इज वेरी प्रोमिनेंट इन दम यानी इनके अंदर जो सेल का डिविजन है वो चलता रहता है चलता रहता है और हर एक सेल डिवाइड होता रहता है ठीक है याद रखेगा डिविजन का भी अपना एक रेट होता है तो अगर वो सही ढंग से डिवाइड हो रहा है तभी हम उसको कह, कहेंगे कि नॉर्मल डिविजन हो रहा है बट अगर वो एक ही मिनट में हजारों बार डिवाइड हो जा रहा है तो दैट इज अ नॉर्मल डिविजन जो कि आप अलग तरीके से पढ़ते हैं यहां उसकी कोई जरूरत नहीं है डीज टिश्यूज आर लिविंग एंड हायरिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट सिंपल है लेंथ बढ़ाता है मोटाई बढ़ाता है यही तो काम है दिस इज द ग्रोथ है ना यही तो ग्रोथ होती है कि किसी भी प्लांट की हाइट बढ़ रही है उसका वेट बढ़ रहा है हर एक चीज इंक्रीज होती है जब मैथमेटिक टिश्यू डिवाइड करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखेगा सबसे पहली चीज डेंस साइटोप्लाज्म होगा तभी तो डिविजन में हर एक चीज के पास साइटोप्लाज्म सही अमाउंट में पहुंचेगा दूसरा थिन सेल्यूलोज बॉल होगी तभी डिविजन आसानी से हो पाएगा ठीक है अब पेपर को तुम लोग ऐसे फाड़ने लग जाओ बीच में से वो इजिली फट जाता है ठीक है पर आप किसी मोटी सी चीज को फाड़ने लग जाओगे तो वो नहीं फटेगी रीजन है क्योंकि उसकी मोटाई कम होती है इसीलिए जो सेल्यूलोज की वॉल होगी यानी सेल वॉल का जो कॉम्पोनेंट है सेलिलोज वो उसकी जो मोटाई है वो काफी कम होती है है ना वो इजीली इसीलिए डिवाइड कर पाता है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगी वैक्यूल्स होता है एबसेंट नेक्स्ट हमारे पास आते हैं परमानेंट टिश्यू तो रीजन मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है जब आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आप परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं ठीक है सेल्स ऑफ मैरिस्टमैटिक टिश्यू टेक्स अप स्पेसिफिक रोल एंड एन एबिलिटी एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड और यही परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे वही मैरिस्टमेटिक टिश्यू की अगर पूरी की पूरी डिवीजन की पावर है अगर आप उसको खो दें और वो एक परमानेंट काम अटेन कर ले पकड़ ले तो वही तो हो जाता है परमानेंट इशू परमानेंट इशू किसी भी तरीके का कोई भी डिवीजन शो नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास वो पावर होती नहीं है अब मेरिस्टमेटिक टिशू तो लिविंग थे तभी डिवीजन हो रहा था परमानेंट इशू लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं ठीक है लिविंग सेल्स भी और डेड सेल्स भी इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स पर्मांट टिश्यू जो कि इंपॉर्टेंट है और ये होते हैं दो तरीके के आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा जाइलम एंड फाइलम ठीक है चलिए जाइलम क्या होगा जाइलम को आप वुड के नाम से भी जानते हैं ये कंडक्ट करते हैं वॉटर दे कंडक्ट वॉटर कहां से कहा अब पानी तुम्हें तो एक पौधे में जड़ों में तो देते हो ठीक है तो कंडक्ट वॉटर फ्रॉम रूट टू या टू होल प्लांट ठीक है पानी कंडक्ट करने का काम करेंगे जड़ों से ऊपर वाली तरफ इट इज अ अस्लर एंड टिश्यू जो पानी को कंडक्ट करता है और दूसरी चीज हमारे पास आती है फ्लोयम फ्लोयम ऑर्गेनिक फूड ट्रांसपोर्ट करता है वट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक अब प्लांट में इनऑर्गेनिक फूड तो नहीं होता है ना ऑर्गेनिक होता है पूरी तरीके से क्योंकि वो किसी भी सिंथेटिक चीज का यूज नहीं करती है ठीक है और वो परफॉर्म करती है सिंथेसिस होता कहाँ है लीव्स के अंदर तो ये कंडक्ट करते हैं फूड फ्रॉम लीव्स फ्रॉम लीव्स टू होल प्लांट खाने की जरूरत तो पूरे पूरे पौधे को होती है है ना तो इसीलिए जो भी मीजोफिल सेल्स खाना बनाती हैं, मीजोफिल सेल्स ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है आपके लीव्स का वहां पर प्रेजेंट होती है जहां पर क्लोरोफिल होगा ठीक है और इसी क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका फोटोसिंथेसिस, जो कि सनरेज की, की मदद से आपके सीओ टू की मदद से ऑक्सीजन की मदद से वाटर की मदद से होता है खाना फॉर्मेशन इन प्लांट ठीक है तो उसी लीव से ये खाने को कंडक्ट करेंगे और हर एक पार्ट को हर एक पार्ट को देकर आएंगे प्लांट के ठीक है ताकि उनके अंदर भी ग्रोथ हो डेवलपमेंट हो ऑल्सो कॉल्ड एज बास्ट ये भी याद रखिएगा लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है इसके अंदर लिविंग सेल्स पाई जाती है तभी तो ये काम कर पा रहा है ठीक है एंड नेक्स्ट एंड लास्ट चीज हमारे पास आती है एनिमल टिश्यू जो कि होते हैं चार तरीके के ठीक है एनिमल टिश्यू की भी यही कहानी है ये एक तरीके के सेल्स के भी बन सकते हैं दो 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 और से ज्यादा तरीके के सेल्स के भी बने हुए हो सकते हैं एनिमल टिश्यूज हैव लेयर और ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स और कॉमन एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन एंड सेम फंक्शन ठीक है चार तरीके के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हमारे पास पाए जाते हैं पहला एपिथिलियर टिश्यू दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू तीसरा होता है कनेक्टिव लार्जेस्ट एंड फोर्थ इज नर्वस या फिर नर्व टिश्यू ठीक है एक एक करके देखते हैं अगर हम बात करें एपिथिलियर टिश्यू की तो इसका जो ओरिजिन है वो डू यू मीन बाई ओरिजिन हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं जितनी भी चीजें हैं वो तीन ही लेयर से बनती हैं। सबसे पहले एक्टोडर्म दूसरी मीजोडाम तीसरी एंडोडर्म या तो वो एक्टोडर्म से बनेगी या तो वो मीजोडाम से बनेगी या वो एंडोडर्म से बनेगी या फिर वो तीनों से बन सकती है जैसे एपिथिलियर टिश्यू पर ये है क्या ये है क्या जब हमारा फॉर्मेशन होता है यानी जब जाइगोट बनता है उस समय से पहले एक और चीज बनती है जिसको आप जम लेयर्स के नाम से जानते हैं जम लेयर्स सुना होगा आपने नाम और यही जम लेयर्स तीन तरक, तरीके की होती है एक्टो जो कि आउटर मोस्ट वाली मीजो मिडल वाली एंड एंडो सबसे इनर मोस्ट वाली ठीक है, एपिथिलियर टिश्यू का जो ओरिजिन है वो इन तीनों से ही होता है काम क्या है इसका प्रोटेक्शन का भी काम करेगा ये का का भी काम करता है, absorption का भी काम काम करता करता है, 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 इसी के साथ ये excretion, reproduction, हर एक चीज को perform करेगा। ठीक दूसरा हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यू जो कि ओरिजिन में मीजोडर्मिक होगा अब इसका काम है कनेक्टिव है तो चीजों को कनेक्ट करेगा सपोर्ट करेगा अटैचमेंट में हेल्प करेगा एक और चीज कनेक्टिव टिश्यू मोस्टली टिश्यू है सबसे ज्यादा अमाउंट में जो टिश्यू पाया जाता है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू हर एक बॉडी के पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू पाया ही पाया जाता है तीसरा हमारे पास जो टाइप आता है दैट इज मस्कुलर टिश्यू जो कि मसल से रिलेटेड है तीन तरीके का होता है लिखना है तो लिख लीजिए पहला कार्डियक दूसरा स्मूद और तीसरा स्केलेटर तीन तरीके का होता है Function क्या है है। ये? ये आपको contraction में help करेगा ताकि का movement हो। And इसके बाद next is nervous tissue, जो divide नहीं होता है. कोई डिविजन इसमें नहीं होगा याद रखेगा एक बार बन गया तो बन गया एक्टोडर्म ओरिजिन है और ये आपकी बॉडी के जितने भी मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करता है है ना? ये ब्रेन से रिलेटेड है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है क्लियर तो ये थी सारी चीजें आपके इस सेशन की आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और इसी तरीके से आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए स्टेट फार्मेसी इंडिया थैंक यू